हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं अपना सुबह से ब्रेकफास्ट रूटीन आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज जो है मैं सेवई बना रही हूँ, शीर खुरमा जो बोलते हैं, मीठी सेवैया, परफेक्ट। मतलब जो होता है स्टेप बाय स्टेप जैसे शीर खुरमा बनाते हैं, वैसे तो नहीं बना रही हूँ मैं, सिंपल सी मीठी सेवैया जो बनती है दूध वाली हम लोग मराठी लोगों के घर में, उस स्टाइल में मैं बना रही हूँ। क्योंकि आज जो है ईद है, तो आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक आप लोगों को, एंड आप लोगों की ईद बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए, यही बस मेरी दिल से दुआ है आप लोगों के लिए। एंड आप लोग घर पर ही सेलिब्रेट कीजिए, घर पर ही सेफ रहिए, बस यही चाहूँगी मैं। तो आज ईद थी तो मैंने सोचा कि सेवैया बना लूँ। मेरी पैकेट वाली सेवैया जो है वो ख़त्म हो गई है, तो अभी बाहर जाके ला तो नहीं सकते हैं। एंड महाराष्ट्र लोगों के घर में ये जो गेहूँ की सेवैया जो होती है, ये 12 महीने पूरे साल जो है होती ही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर मराठी घरों में। तो इसलिए मेरे घर में भी थी, तो मैंने सोचा इसी से बना लेती हूँ मैं आज। तो मैं हर रमज़ान पर, हर रमज़ान ईद के दिन जो है शीर खुरमा बनाती हूँ। जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा, एंड ब्लॉग जब मैं नहीं बनाती थी तब भी मैं सेवैया बनाती थी, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है तो इस वजह से मैं बनाती हूँ। तो परफेक्ट भले भी नहीं बनती है, बट जैसी भी बनती है मेरे घर में सब लोगों को बहुत पसंद आती है। तो इस टाइप में मैंने सबसे पहले जो है घी में थोड़े से सेवैये को भून लिया था, उसके बाद में जो है मैंने दूध में जो है सेवई को पका लिया सबसे पहले। कुछ लोग पानी डाल के भी पकाते हैं, बट मैं दूध में ही सेवैये को पकाती हूँ, एंड गेहूँ की सेवैया है तो थोड़ा देर तक पकाना पड़ता है इसको। तो मैंने इसे दूध में सब अच्छे से पका ली है, एंड उसके बाद में लास्ट में मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि पहले अगर चीनी डाल दो तो फिर कुकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाती है किसी भी चीज़ की। इस वजह से मैंने दूध में पहले अच्छे से पका लिया, जब सेवैया पक गई तब मैंने चीनी डाली। एंड उसके बाद में अब जो है ये मेरा एक ट्रिक है, एक टिप समझ लो आप, जब सेवैया पक जाती है मुझे गैस बंद करना होता है, तब मैं थोड़ा सा आधा कप पानी जो है उसमें ऐड कर लेती हूँ। मतलब सेवैया की क्वांटिटी के हिसाब से आधा कप हो तो उतना पानी मैं ऐड कर लेती हूँ, ताकि बाद में टाइट ना आ जाए सेवैया। ये गेहूं की सेवैया है तो ऑब्वियसली थोड़ी देर के बाद में जो है पूरा दूध ये खींच लेने वाली है, इस वजह से जो मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, ताकि ठंडा होने के बाद में भी ये टाइट नहीं आएगी। एंड गैस बंद करने के बाद में मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, एंड थोड़ा सा जो है इलायची पाउडर डाल के यहाँ पे मिक्स करने वाली हूँ। एंड बस मेरी जो सेवैया जो है वो रेडी हो चुकी है, यमी यमी सी। तो आ जाइए आप लोग भी सब खाने के लिए यमी यमी सी सेवैया। सुबह सुबह उठ के जो है मैंने सेवैया तो बना ली है, बट उसके साथ में सिर्फ सेवैयों से नाश्ता तो नहीं होने वाला है, तो मैं बनाने जा रही हूँ पोहे सेवैया के साथ। तो यहाँ पे विवेक ने जो है थोड़ी सी प्रिपरेशन कर दी है, जब तक मैं सेवैया बना रही थी तब तक विवेक ने प्रिपरेशन की है। ये पोहे धो दिए हैं उन्होंने, आलू कट कर लिए हैं, मिर्ची प्याज कट कर लिए हैं, एंड मूँगफली ला के रख दिए हैं यहाँ पे। तो अभी जो है मैं इसमें तड़का लगाने वाली हूँ एकदम सिंपल तरीके। महाराष्ट्र लोगों के घर में पोहे जो है वो स्पेशली हर एक दो दिन के बाद बनते ही है, क्योंकि बहुत पसंद आते हैं सब लोगों को। तो हर किसी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो मेरा तरीका कुछ अलग है, तो मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर कर लूँ। बहुत से लोगों को मेरे हाथ के पोहे जो है बहुत पसंद आते हैं इस वजह से। तो मैं क्या करती हूँ, आलू को जो है सबसे पहले तेल में फ्राई करके अलग से निकाल लेती हूँ, उनको अच्छे से पका लेती हूँ। एंड ब्राउन करना ज़रूरी नहीं है, बस पकाना ज़रूरी है। एंड आलू पकते में उनको अलग निकाल लेती हूँ, जो पोहे धो के रखे मैं उसी में डाल देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आलू से फिर तेल निकलने वाला है तो उसी पोहे में चला जाएगा। एंड उसी तरीके से जो है मैं मूंगफलियों को भी फ्राई करके उसी पोहे में जो है निकाल के रख देती हूँ। एंड उसके बाद में जो है मैं तड़का लगाना, उसी सेम तेल में जो है मैंने तड़का लगाना स्टार्ट किया। मैंने थोड़े से जीरा डाले है, थोड़े से मस्टर्ड सीड डाले है, उसके बाद में जो है मैं प्याज और मिर्ची डाल के हल्का सा इसको पकाने वाली हूँ। एंड अगर आपके पास करी लीव्स अवेलेबल है तो आप इसके बाद में जो है करी लीव्स भी डाल सकते हो। करी लीव्स से जो है पोहे को बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो प्याज मिर्ची पकते आ गए थे तो मैंने करी लीव्स डाल दी थी, अब करी लीव्स को जो है थोड़ा सा तेल में पकने देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिर्फ हल्दी पाउडर मिक्स करना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर डाल के जो है मिक्स करके उसके बाद में हमने जो आलू तले थे, मूँगफलियाँ तली थी, एंड जो पोहे थे उन सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर देना है। एंड ऊपर से नमक डाल के फिर मिक्स कर लेना है पोहे को। आप लोग इस तरीके से पोहे बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं। मेरे घर में तो इसी स्टाइल के पोहे जो बहुत पसंद आते हैं, एक साथ तड़का लगाए हुए पोहे नहीं पसंद आते हैं।
तो इस स्टेज पे आप नमक धनिया डाल के इसको अच्छे से पका सकते हो, मिक्स कर सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने ऊपर से धनिया नहीं डाला है। कुछ लोग कोकोनट को भी ग्रेट करके ऊपर से डालते हैं, वो अपने टेस्ट के ऊपर है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, वरना ऐसे ही ये अच्छे लगते हैं। मेरे पोहे एंड खीर दोनों बन के रेडी हो गई थी एंड पीकू भी जो है नहा के आ गई थी, तो मैंने पीकू से कहा कि भगवान को निकाल के दे दो, तो मैं उसको यहाँ दे रही हूँ। वो भगवान को खिलाएगी एंड पूजा भी कर लेगी साथ ही में, तो इसलिए जो है मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे। एंड हमारे घर में जब भी पोहे बनते थे हम लोग पहले भगवान को देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भगवान है विट्टू बाबा, उनके जो है पोहे सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश है, ऐसे कहा जाता है। तो ये देखिए, आजकल जब से छुट्टियाँ चालू है, लॉकडाउन जब से चालू है, पीकू सुबह सुबह उठ के, सुबह मतलब जो उसका रूटीन है उस टाइप से वो उठती है एंड उठते ही ब्रश करके नहा लेती है एंड नए नए कपड़े पहन के रेडी हो जाती है। थोड़ी देर तक पहनती है फिर चेंज कर लेती है वो, क्योंकि गर्मी की वजह से फिर उसको भी बर्दाश्त नहीं होता है इस वजह से। तो यहाँ पे वो फ़ोटो के लिए पोस्ट कर रही है, बट मैं फ़ोटो नहीं निकाल रही, तो वो बाद में गुस्सा होने वाली है, तो इसीलिए वो सुबह सुबह नहा लेती है। तो अच्छा लगता है, बच्चों को एक अच्छी आदत तो लग गई एटलीस्ट लॉकडाउन में। नाश्ता वाश्ता हो गया था, मैंने नहा वहा लिया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि फटाफट से खाना भी बना लूँ, क्योंकि अगर एक बार बैठ जाती हूँ मैं तो फिर मेरे से डबल हिम्मत ही नहीं हो पाती है खाना बनाने की। इस वजह से जो है मैंने सोचा कि फटाफट से खाना भी बना लूँ। तो आज मुझे रोटियां नहीं बनानी है, क्योंकि पोहे का जो नाश्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाता है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो विवेक ने कहा था कि एक सिंपल सी सब्ज़ी और राइस ही बना दो, तो विवेक को आज ये उबले हुए आलू की सब्ज़ी खानी थी। तो इसकी जो है डिटेल रेसिपी इससे पहले मैंने अपने चैनल पर शेयर की थी, इसलिए आज मैं रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को, बस ये ऊपर ही दिखा रही हूँ थोड़ा सा। तो ये सब्ज़ी जो होती है बहुत यमी लगती है राइस के साथ, रोटी के साथ एंड पूरी के साथ तो और ज़्यादा। एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप लोग सेफ होंगे, अपने घरों में होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक मेरे सारे फ्रेंड्स को, मेरे सारी यूट्यूब फैमिली को जो है ईद मुबारक। आप लोग बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट करो, बस यही मेरी दुआ है। तो आज सुबह से जो है मैंने छोटा सा ब्लॉग शूट करने की कोशिश की थी। एंड हर ईद में जो है हम लोग सुबह सुबह उठ के जो है शीरखुरमा जो बोलते हैं, तो प्रॉपर वो शीरखुरमा तो हम लोग नहीं बना पाते जैसे मोमेडियंस लोग बनाते हैं प्रॉपर शीरखुरमा, उस टाइप में नहीं बना पाते हैं, बट जिस जैसे भी बनाना होता है वैसे मैं हर साल ईद पे जो है बनाया करती हूँ। मतलब एक अपने बच्चों को, फैमिली को, मतलब एक वो मिलना चाहिए कि मतलब अगर बाहर कुछ हो रहा है सेलिब्रेट तो हम भी कर सके। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मतलब वही लोग सेलिब्रेट करें जिनका ये प्रोग्राम हो, ऐसा कुछ नहीं होता है त्यौहार हो। सब लोग मिलके इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसलिए जो है मैं पहले से ही जो है बहुत सालों से जो है मैं ईद के दिन शीरखुरमा बनाती हूँ एंड सब लोग घर में बैठ के खाते हैं। शीरखुरमा मतलब हम लोग मराठी में उसको तो सेवैया ही कहते हैं, मीठी सेवैया। तो मैंने वही बनाई थी एंड वो गेहूँ के आटे की थी, जो पैकेट वाली थी वो मेरे घर की ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने गेहूँ के आटे वाली सेवैया जो है बनाई थी एंड बहुत यमी बनी थी। सब लोगों ने वही नाश्ता किया, पोहे भी बनाए थे उसके साथ, क्योंकि सिर्फ मीठा नहीं खाया जाता है सुबह, इसीलिए जो है मैंने उसी के साथ में थोड़े पोहे भी बना दिया था। एंड अभी नहा धो के वगैरह खाना वाना सब कुछ हो गया है खा के, तो सोचा कि थोड़ी देर तक आप लोगों के साथ बात कर ली जाए। बहुत दिन हो गए हैं मैं ऑन कैमरा आके आप लोगों के साथ बात नहीं करती हूँ, तो सोचा कि आज आप लोगों के साथ बात कर लूँ। तो आप लोग की तरफ क्या माहौल चल रहा है, लॉकडाउन वगैरह कैसे चल रहा है, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड हमारे यहाँ जो है अभी हाल फिलहाल में एक दो दिन पहले ही जो है कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इस वजह से हमारे यहाँ फिर से लॉकडाउन जो है बढ़ गया है एंड हर तरफ रोड जो है सील कर दिए गए हैं, कहीं भी जाना आना नहीं हो रहा है। बट फिर भी जो है विवेक ड्यूटी जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कंपनी जो है वो चल ही रही है, उनको जाना पड़ता है, इस वजह से जो है वो जा ही रहे हैं। एंड अभी जो है मेरी फिलहाल तबीयत थोड़ी सी ठीक है, इस वजह से जो है मैं थोड़े से वीडियो बना पा रही हूँ एंड एडिट करने की भी कोशिश करती हूँ। कभी कभी एडिट हो पा रहे, कभी कभी नहीं हो पा रहे हैं, बट अभी कोशिश करूँगी कि जब तक तबीयत ठीक है तब तक वीडियोज़ डालूँ। एंड अगर वीडियोज़ आना फिर से बंद हो जाए तो आप लोग समझ जाइएगा फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो बस अभी वही मेरा रूटीन है डेली वाला, अभी जो है मैं थोड़ा सा मेडिसिन खाकर रेस्ट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा एग्जर्शन नहीं हो पा रहा है मुझसे, इस वजह से जो मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बैठ रही हूँ। डॉक्टर ने तो वैसे मुझे टोटली बेड रेस्ट बताया है, बट मैं थोड़ा काम करते जा रही हूँ। काम मतलब खाना बनाना, नाश्ता बनाना, इतना काम कर रही हूँ मैं, तो बैठ बैठ के एक एक चीज़ें करते जाती हूँ। तभी मैं मेडिसिन वगैरह लेके रेस्ट करने वाली हूँ फिलहाल। तो सोच रही हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर दूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ
एंड मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों तबीयत खराब है, ये सारी चीज़ें जो है मैं बहुत जल्दी एक वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। बस वो वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ, जैसे ही वो वीडियो शूट करती हूँ मैं आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो फिर चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट कीजिएगा एंड मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।